लॉ एंड ऑर्डर जो था वह लोकलाइज था, इनकाउंटर साइट के सराउंडिंग था। कल मैंने खुद हेलीकॉप्टर से रेकी किया, साउथ कश्मीर में कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सिर्फ उस इनकाउंटर साइट पर हुआ था। हैवी पथरा हुआ था, उसमें हमारे दो व्हीकल डैमेज किए, उस दरमियान हम लोग उसको हैंडल किए, प्रोफेशनली किए। कोई टनल का अभी तो रिपोर्ट नहीं है, लेकिन उसका अपने एरिया में लोकप्रिय काफ़ी हाइडआउट था। कम से कम 6-7 मरने के पहले हाइडआउट को हम लोग बस्ट कर चुके थे, ये 7वां हाइडआउट था जिसमें मिला। ये जो कम्युनिकेशन गैप लगाना, ये बहुत ज़रूरी है। नहीं तो आप देखते हैं कि अगर नहीं बंद करते हैं तो अभी तक इतना रिमोट आप फैल देखते हैं, पुराना वीडियो को अपलोड करता है, लोगों को स्टे करता है, हर जगह प्रॉब्लम होता है। आतंक के जो लीडर होते हैं, आतंकवादी लीडरशिप जो होती है, उनको चुन चुन के समाप्त किया जाए। इसमें सफल हो जाते हैं तो उससे रिक्रूटमेंट की कार्रवाई में कमी आती है, जो कि हमारा मेन एम होता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। घाटी में हमारे जवानों ने आतंकियों के आका रियाज नाइकू को मार गिराया, तो उसको समर्थन देने वाले, उसको छिपा कर रखने वाले, उसको इतने दिनों तक बचने में मदद करने वाले बौखला गए। पत्थरबाजों ने हमारे जवानों पर हमला किया, लेकिन हमारे जवानों ने भी तय कर रखा है, तुम पत्थर बरसाओगे, हम आतंकी चुन चुन कर मार गिराएंगे। ये रिपोर्ट फिर चर्चा की शुरुआत। कश्मीर के पत्थरबाज सुधरने को तैयार नहीं। आतंक से मौत का तांडव रचने वाले हिजबुल के कमांडर रियाज नाइकू को जब सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में मार गिराया, तो ये पत्थरबाज अपने बिल से निकल गए और सुरक्षा बलों पर ही हमला कर दिया। सुरक्षा बल के जवान जब पुलवामा जिले के अवंतीपुरा में हिजबुल मुजाहिदीन के खूंखार कमांडर रियाज नाइकू को मार गिराने के बाद मुठभेड़ स्थल से लौट रहे थे, तब प्रदर्शनकारियों ने उन पर पथराव किया। लाठी, डंडे, टिन के बड़े शीट, सेना की गाड़ी पर ये सब कुछ लेकर चारों तरफ से टूट पड़े। कल मैंने खुद हेलीकॉप्टर से रेकी किया, साउथ कश्मीर में कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सिर्फ उस इनकाउंटर साइट पर हुआ था। हैवी पथराव हुआ था, उसमें हमारे दो व्हीकल डैमेज किए, उस दरमियान हम लोग उसको हैंडल किए, प्रोफेशनली किए। फिर भी कुछ करीब 10-11 जो मिस्क्रिएंट थे, स्टोन पेल्टर, इंजर्ड हो गए। एक दो को बुलेट की इंजरी भी हुआ है, हॉस्पिटल में सारे हॉस्पिटलाइज है, हम लोग उसको मॉनिटर कर रहे हैं। सेना को A++ कैटेगरी के जिस हिजबुल कमांडर की 8 सालों से तलाश थी, उसकी ऐसी मौत के बाद सुरक्षा बलों पर हुआ ये हमला बताता है कि इस आतंकी ने कैसे जाल बिछाकर घाटी में पिछले कई सालों से अपने पैर पसार लिए थे। वो जहर भरकर हर साल आतंकियों की नई खेप बनाता था। सेना ने आतंकवाद के खिलाफ अपनी रणनीति में पिछले दिनों कई सख्त फैसले लिए हैं, जिसमें ऐसे आतंकियों की लाश उनके घर वालों को अब नहीं दी जाएगी। इस फैसले के पीछे की वजह भी बताई जम्मू कश्मीर के IG विजय कुमार ने। ये फैसला आतंकियों की मौत पर जमावड़ों के खात्मे पर निर्णायक सोच है, और वो भी कोरोना की महामारी के बीच। 2000 लोग आ जाएंगे, उसके जुलूस में जाएंगे, जनाजा, फ्यूनरल में, तो चूंकि रेड जोन एरिया है, तो संभावना था कि स्प्रेड हो जाता वायरस वहां पर। बीते दिन सेना ने घाटी में हिजबुल के खात्मे की तरफ सबसे बड़ी कामयाबी हासिल की। इस आतंक के पोस्टर बॉय के खात्मे ने कश्मीर से लेकर पाकिस्तान तक आतंक का जहर बोने वाले खेमों में खलबली मचा दी। सेना ने इस रियाज नाइकू को पकड़ने के लिए कई ऑपरेशंस लॉन्च किए थे, लेकिन इस बार उसे पूरी तरह से घेरने में कामयाब रही। आखिरकार उसे 7वें हाइडआउट में मार गिराया। ये सेना की बड़ी कामयाबी है। आतंक के जो लीडर होते हैं, आतंकवादी लीडरशिप जो होती है, उनको चुन चुन के समाप्त किया। इसमें सफल हो जाते हैं तो उससे रिक्रूटमेंट की कार्रवाई में कमी आती है, जो कि हमारा मेन एम होता है कि रिक्रूटमेंट को बढ़ावा ना मिले। रिक्रूटमेंट को बढ़ावा मिलता है थ्रू टेररिज्म को बढ़ावा मिलता है थ्रू रिक्रूटमेंट, और ये हमारी कोशिश रहती है कि ये ना होने पाए। इधर इस सफल ऑपरेशन के बाद पूरे जम्मू कश्मीर में हालात पर गृह मंत्रालय की कड़ी नजर है, लेकिन महामारी के वक्त भी सुरक्षा बलों पर हुए इस हमले ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि आतंकवाद और उसके हिमायतियों के खिलाफ ये लड़ाई लंबी है।
और आइए इसी विषय पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। गौरव भाटिया राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील पंडित जी कश्मीरी एक्टिविस्ट हमारे साथ जुड़ गए। लेफ्टिनेंट जनरल एस जसवाल डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्वागत है सर आपका। माजिद हैदरी कश्मीर के मामलों के एक्सपर्ट हैं, पत्रकार हैं, श्रीनगर से जुड़ रहे हैं। इफ्तिखार मिसकर साहब पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहती हूं, रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर आप बोले लेफ्टिनेंट जनरल साहब, एक पूर्व सैनिक के तौर पर बोले, बहुत बड़ी कामयाबी है ये सेना की, और सेना पर ये जो पत्थरबाजों का एक बार फिर से हमला हुआ है, इसको किस तरह से देख रहे हैं? पहली चीज, जहां तक कामयाबी का सवाल है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। और इससे जो फर्क पड़ेगा साउथ कश्मीर में वो काफी पड़ेगा, क्योंकि जो अपना रिक्रूटिंग के लिए भी जो आदमी तैयार हो रहे थे पहले, उनको भी जो डिसिल्यूजनमेंट इसके बारे में होगी। जी, जो इम्पोर्टेंट चीज है इस सफलता में वो है कि ये ऑपरेशन सिविलियन सोर्सेस के बिना नहीं हो सकता है। तो एक बदलाव है, इतने बड़े टेररिस्ट के लिए एक स्पेसिफिक इनपुट दी जा रही है जिसके कारण ये सक्सेस हुआ। जहां तक ये पत्थरबाजों का सवाल है, इसके ऊपर मेरी बहुत सख्त राय है, ये कोई मजाक नहीं है। हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं, वहां पर अपनी जान को जोखिम में डाल के एक नेशनल टास्क कर रहे हैं, और ये पत्थरबाज जो हैं इम्प्यूनिटी के साथ में जो मर्जी उनकी सिक्योरिटी फोर्सेस की बेइज्जती करते हैं और साथ में उनके ऊपर अटैक करते हैं, पत्थर फेंकते हैं, ये ऐसा भी कोई एक्शन इनके ऊपर अगर ये करते हैं तो हमें करना पड़ेगा। मसलन की वार्निंग के बाद उनको उनके ऊपर फायरिंग करनी चाहिए, ये हमारा एक दृढ़ रिजॉल्व होना चाहिए। नहीं तो अगर हम इसके खिलाफ नहीं करेंगे ये और भी बढ़ावा देगा। पहली चीज, ये लोग हैं क्यों वहां पे और क्यों ये सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ इस प्रकार का मुहिम चला रहे हैं, ये भी एक प्रकार के आतंकी हैं और इनके ऊपर वही कार्रवाई करनी चाहिए जो कि एक आतंकी के ऊपर की जाती है। ये एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जरूर देना चाहिए। बिल्कुल, और आपकी इसी बात के साथ बहस को आगे लिए चलेंगे। गौरव भाटिया जी, कामयाबी इतनी बड़ी थी सेना की, इसीलिए खलबली भी उतनी बड़ी थी। ये तस्वीरें जरा फुल स्क्रीन दिखाइए, जिस बात का जिक्र कर रहे हैं लेफ्टिनेंट जनरल बीएस जसवाल, ये पहले भी कहा गया है, क्या इन पर भी वैसी ही सख्त कार्रवाई होनी चाहिए? वो फायरिंग तक की बात कर रहे हैं। गौरव भाटिया, देखिए जसवाल जी ने जो कहा सम्मानित करना ऑफिसर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि एक बड़ा बदलाव आया है देश में, और बड़ा बदलाव ये है कि नरेंद्र मोदी जी ने सशक्त नेतृत्व दिया है और आर्मी को खुली छूट दी है। मैं भूलूंगा नहीं वो चित्र जब कर्नल आशुतोष शर्मा और मेजर अनुज सूद के शव और परिवारजन वहां पे थे, और किस तरह से उनकी बीवी और बेटी जो है उनकी आंखों में आंसू थे और पूरे देश की आंखों में आंसू थे, और अपने आप से हम पूछ रहे थे कि हम क्या कर सकते हैं इस परिवार के लिए, इन वीर सेनानियों के लिए जिन्होंने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया है। और जब कल खबर आई कि रियाज नायकू को ढेर कर दिया, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ इतना हर्ष खुशी हुई, हमारा हौसला आसमान की बुलंदियों तक पहुंच गया। और इसीलिए जब ये लोग मानव अधिकार की बात करते हैं, मैं सहमत हूँ इनकी बात से कि मानव अधिकार मानवों के होते हैं, दानव के नहीं, राक्षसों के नहीं। आर्मी का जवान जो वर्दी पहने हैं, जो संयम बरत रहा है, उस पर पत्थरबाजी करना, उसकी जान के ऊपर प्रहार करना, तो पूरा हक है कि सेल्फ डिफेंस में आर्मी सख्त कार्रवाई करे। माजिद हैदरी को दिखाई बड़ी बात है, आज हौसले पस्त है आतंकवादियों के, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर तुम एक गोली चलाओगे तो इतनी गोलियां चलेंगी कि तुम्हारे शरीर के छेद गिनना मुश्किल हो जाएगा। और ये हौसले पस्त करना जरूरी है रमजान के पावन महीने में, जो ऐसी आतंकवादी गतिविधियां हो रही हैं। आप बताइए कौन सा धर्म सिखाता है कि एक पावन महीने में आप 8 लोगों को जान से मार दे जो अपनी देश की सेवा कर रहे हैं। मैं समझता हूँ
इन पे धिक्कार है और इन पे सख्त कार्रवाई जो आर्मी कर रही है, 130 करोड़ भारतीय आर्मी के साथ खड़े हैं। माजिद हैदरी साहब, मुझे लगता है आज आप भी सहमत होंगे जो लेफ्टिनेंट जनरल साहब कह रहे हैं, गौरव भाटिया जी कह रहे हैं, उससे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए इन पत्थरबाजों और जो लेकर सेना पर हमला कर रहे हैं उन पर। जी देखें अंजना साहिबा, मैं कोई अमरेश पुरी यहां इस डिबेट में नहीं आया कि मैं बोलूंगा मुगैम्बो खुश हुआ। वैसे आप मुझसे एक्सपेक्ट मत कीजिए, मैं होश वाला इंसान हूं, पत्रकार हूं, देशवासी हूं, मैं जानता हूं क्या बात करनी है। मैं आपसे एक चीज सवाल पूछना चाहता हूं आदरणीय गौरव भाटिया जी से कि गौरव भाटिया जी, इस वक्त हमारा देश लड़ किससे रहा है? क्या हम कोरोना वायरस से लड़ाई कर रहे हैं, या हम कश्मीर के रहने वालों से लड़ाई कर रहे हैं, या हम बाकी भारतवर्ष के मुसलमानों से लड़ाई कर रहे हैं? ये मेरा इनसे पहला सवाल है। दूसरा सवाल मेरा यह है, इनने सही मिसाल दी कि यह रमजान का महीना है, तो रमजान के महीने में जो यहाँ भारत में जो एक मिसाल बनी थी वो ये थी कि भारतवर्ष सीज फायर करता था रमजान के महीने में, लेकिन इस दफा ना कश्मीर में सीज फायर हो रहा है, उल्टा बेचारे जो बाकी राज्यों के जो मुसलमान हैं उन पर भी हमला हो रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कमरा से कोरोना से लड़ रही है भाजपा सरकार या कि मुसलमानों से लड़ रही है, कश्मीर में आतंक के नाम पे, दूसरी जगह दिल्ली में मौलाना साद के नाम पे, ये लड़ाई प्रोपेगेंडा बंद कीजिए। अगर अपने आप को आप पत्रकार समझते हैं, मार दीजिए, अगर अपने आप को पत्रकार कहलाना चाहते हैं तो प्रोपेगेंडा बंद कीजिए। आप चला दीजिए मेरे पे गोली, अभी आप शुरू कीजिए, फिर फिल्मी डायलॉग बंद करने लगे। आपने कहा था आप मुगैम्बो नहीं बनना चाहते हैं, लेकिन वही एक्टिंग शुरू कर दी आपने। कहीं बेचारे क्या ड्रामेबाजी कर रहे हैं? आपको थिएटर में थोड़ी बुलाया है सर, बहस के लिए बुलाया है। बोल रहे गोलियां चलाओ थिएटर करने नहीं आए हैं, आप तो थिएटर करने नहीं आए हैं, इसलिए आप देखिए प्लीज, ये हिंदू मुस्लिम बनाने की कोशिश भी मत कीजिएगा। ये हिंदू मुस्लिम बनाने की कोशिश भी मत कीजिएगा। इस डिबेट में पहली बार ये शब्द आपने इस्तेमाल किया है। आप प्रोपेगेंडा मत शुरू कीजिए, गोली मार दो, प्रोपेगेंडा शुरू मत कीजिए, प्रोपेगेंडा मत कीजिए, प्रोपेगेंडा मत कीजिए। आप सवाल पूछिए फिर देखिए, फिर वही प्रोपेगेंडा चलाओ। ये जहर जो आप बोने की कोशिश कर रहे हैं, इसको जो भारतीय मुस्लिम है वो नहीं मानेंगे, इसलिए ये अपना प्रोपेगेंडा वहीं पर रखिए, अपना प्रोपेगेंडा बंद कीजिए, सवाल का जवाब दीजिए, सवाल का जवाब की दीजिए। शो पे ऐसी बात, अरे तीन दिन पहले हंदवाड़ा में जो शहीद हुए कर्नल आशुतोष शर्मा गांधीवादी मेजर, इन सब ने पता है वहां पर 11 कश्मीरी जो किडनैप किए गए थे उनको बचाने में अपनी जान कुर्बान की, तब कहां बिल में घुसे हुए थे आप जैसे लोग? उन लोगों को बचाने के लिए गए थे वही सैनिक, वही सेना के लोग जो शहीद हुए हैं। नहीं घुसा था मैं, गौरव भाटिया से सवाल पूछ रहा था कि बालाकोट का क्या हुआ। मैं गौरव भाटिया, ये तस्वीरें देखिए ना, हंदवाड़ा पे मुझे जवाब दीजिए, पाकिस्तान को कि आज मैं हंदवाड़ा पे जवाब दीजिए, कश्मीरियों के हिमायती बनने की हिमाकत करते हैं आप। मैं ये नाटक, ये ड्रामा कहीं और ले जाइएगा, ड्रामा बंद कीजिए, हंदवाड़ा में ड्रामा बंद कीजिए। क्यों मारे गए सुशील पंडित जी? मारे गए मेरे 8 सेना कर्मी हंदवाड़ा में, मेजर सूद क्यों मारे गए? क्योंकि वहाँ पर गुदगुदी की ड्रामा, वहाँ पर आप जैसे लोग आतंकियों को शह देते हैं, इसीलिए आप उनका पक्ष लेकर इसको हिंदू मुस्लिम बनाने की प्रोपेगेंडा चलाने की कोशिश करते हैं। मत कीजिए, ये तो मत कीजिए, आतंकी साध्वी प्राज्ञा को माजिद हैदरी मत कीजिए, आतंकियों के साथ है। सुशील पंडित जी, प्राज्ञा को टिकट इन्होंने दी, सुशील पंडित इन्होंने बनाया साध्वी प्राज्ञा को। सुशील पंडित अंजना जी, ये आप साफ साफ देख रही हैं कि किस तरह की जहनियत है, किस तरह की मानसिकता है इस समय। ये बहुत अच्छी की बात है कि इन्होंने मारे गए आतंकवादियों के शव वापस लौटाकर वहां ऐसे धूमधाम से उठने वाले जनाजों पर रोक लगाई है जो पिछले 7-8 साल से इसलिए चल रहे थे ताकि वहां के लोगों का दिल जीता जा सके, उनसे ये कहा जा सके कि देखिए साहब, ये एनकाउंटर जो होना था सो हो गया, अब ये आपके हैं, चाहे पाकिस्तान से आप हैं, वहां के स्थानीय भी नहीं है, लेकिन मस्जिद को दे दिए जाते थे, अब इनका आप धूमधाम से जनाजा उठाइए, हजारों लोग आएंगे, नारे लगेंगे, कैसी आजादी बुरहान वाली, कैसे क्या कैसे बनोगे बुरहान जैसे, आप लोग और तो फिर वहां शराबियों की हजार हजार की लाइन लगाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, नए आप लोग
आप लोग राजधानी में टूंड हो जाते हैं, हजार हजार शराबी दुकान के बाहर, वो तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ जनाजा उठाने में प्रॉब्लम है, आपने मरने के बाद किसी को सजा नहीं दी जाती। ये आदमी सिर्फ यहाँ नौटंकी करने आता है, किसी को बात नहीं कहने देता। माजिद हैदरी, वो अपनी बात पूरी कर ले, बात पूरी कर ले, आप प्लीज उसका वेट करें, जब तक वो पूरी नहीं करते हैं बात, मैं आपका नाम नहीं लेती हूँ, बीच में मत बोलेगा। इफ्तिखार साहब, इसके बाद आ रही हूँ मजगर साहब, सुशील जी बात पूरी कीजिए। तो ये जनाजे वर्षों से उठते रहे थे और इन्हीं जनाजों में से नए आतंकवादी रिक्रूट होते थे। सबसे पहले तो इन जनाजों पर रोक लगनी चाहिए थी, आज नहीं सालों पहले लगनी चाहिए थी। आप मालूम है जब ओसामा मारा गया था, उस मरे हुए ओसामा की धुंधली थी तस्वीर कहीं नहीं छपने दी थी, जनाजे की तो बात छोड़ दीजिए, उसको समुन्द्र में कहां जाके फेंका था आज किसी को पता नहीं चला है। दुनिया में ऐसे जनाजे नहीं उठते हैं, कश्मीर में हम धूमधाम से जनाजे उठाते हैं दिल जीतने के नाम पर और लोगों को अपनी खिराज अकीदत पेश करने के नाम पर। ये आतंकवादी किसी के नहीं है, किसी मजहब के नहीं है, किसी कुनबे के नहीं है, किसी जमीन के नहीं है। यहां तक कि पाकिस्तान से आए आतंकवादियों को मेहमान मुजाहिद कहकर उनकी हजारों की संख्या में लोग जनाजों में शरीक होते थे। आज कोविड के नाम पर आप कह रही हैं कि ये क्योंकि बीमारी फैलती है ये ना किए जाए, इससे आतंक फैलता है, इससे नए आतंकवादी बनते हैं, इस बात को तस्लीम कीजिए। आप गलत वजह से एक सही काम कर रही हैं। और अभी पिछले दिनों, पिछले ही हफ्ते 5 अगस्त के बाद पहला जनाजा उठाया, आप किनका दिल जीतने चले हैं कश्मीर में? आप क्यों एक कदम आगे दो कदम पीछे जैसी नीति अपनाते हैं? आप क्यों आतंक जिहाद का दिल पसीजने वाला नहीं है? इन न सिर्फ इन जनाजों को बंद कीजिए बल्कि इन शवों को एक मानवीय अधिकार आधार पर भी इनका अंतिम संस्कार नहीं होना चाहिए। इनको किसी बिना किसी के गड्ढे में दफन कर दीजिए या फूंक दीजिए, ये किसी जाने चाहिए। और कोविड का बहाना मत बनाइए, ये जिहाद लग रहे हैं आप। और जिहाद में अभी जो एनकाउंटर हंदवाड़ा में हुआ, अंजना जी मुझे इसकी जानकारी मिली है कि जिनको बंधक बनाया गया था वो दरअसल बंधक नहीं बने थे, ये ट्रैप था, उनमें से एक भी किसी को खरोच नहीं आई है। केवल हमारे 5 शूरवीरों को फंसा कर मारने की साजिश में इन 5 निहत्थे नागरिकों को बेस बनाया गया, इनको एक फंदा बना करके यूज किया गया। इसलिए हमारी सेना को अपनी रणनीति बदलनी पड़ेगी, इस तरह के फंदों में नहीं फंसना पड़ेगा। हमारे मेजर, हमारे कर्नल, हमारे जवान, हमारे पुलिस कर्मी, इनकी जान बेशकीमती है और दिल जीतने के नाम पर इनको बलि का बकरा नहीं बनाया जाना चाहिए। बिल्कुल, ये हमारी सरकार को समझना पड़ेगा, हमारे रणनीतिकारों को समझना पड़ेगा। और रमजान का महीना, आज भी सऊदी अरेबिया यमन पर बमबारी कर रहा है, आज भी सीरिया में, इराक में, लीबिया में जंग चल रही है। रमजान के महीने में इन लोगों को शौक शहादत जागता है, ये नहीं रुकते हैं खूनरेजी से। सुशील पंडित जी, दूर जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पाकिस्तान भी लगातार शेलिंग कर रहा है, यहाँ पाकिस्तान भी लगातार शेलिंग कर रहा है सिर्फ इसलिए कि घुसपैठ करा सके। और पता है माजिद हैदरी, आप जिसको डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, सुनिए बौखलाहट कैसे पाकिस्तान में पहुंची है इस रियाज नायकू के मारे जाने पर। इमरान खान का जरा ट्वीट दिखाइए, ट्वीट दिखाइए उसके, दोनों जरा ट्वीट दिखाते हैं, उसके बाद इफ्तिखार जी मैं आपके पास आऊंगी। नायकू ढेर हुआ तो कैसे बौखलाया पाकिस्तान, भारत मौजूदा तनाव का इस्तेमाल कर घुसपैठ के बहाने पाकिस्तान के खिलाफ शद्म अभियान छेड़ सकता है। यही नहीं रुके, आगे भी बीजेपी आरएसएस की तानाशाही, वही पुरानी राग में अपने वो गाए जा रहे हैं। गंभीर खतरा पैदा है हो चुका है अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को दक्षिण एशिया की शांति और सुरक्षा को खतरे में डालने के लिए भारत के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, करनी चाहिए। यह इमरान खान का वही पुराना आलाप है इफ्तिखार साहब, जो वो बार बार रचते हैं मौजूदा सरकार के खिलाफ निशाना साधकर। उनको लगता है कि आतंकवाद पर जो अभी एक मतलब ऑलराउंड एफर्ट जो किया जा रहा है, उसको कैसे वो किसी ना किसी तरह से बदनाम कर सके। इफ्तिखार साहब, रियाज नायकू का मुठभेड़ में मारा जाना क्या बहुत बड़ी कामयाबी नहीं है आतंकवाद के खिलाफ कश्मीर में? मुझे सीधा जवाब दीजिए इस सवाल का। अंजना साहिबा, हमने सबका सुना तो हमें उम्मीद है कि हमारा भी सुना जाएगा इस सेकंड के लिए कम से कम। देखिए, जहां तक ये सिलसिला कल से नहीं, हम पिछले 30 साल से देख रहे हैं, यहाँ पे एनकाउंटर्स होते गए, मिलिटेंट मारे गए, कहीं पे सिक्योरिटी फोर्सेस मारे गए,
चर्चा हुए, लेकिन हमने जहां तक देखा एज ए कश्मीरी जिन्होंने हिंदुस्तान का दामन थाम लिया उनके लिए पब्लिक सेफ्टी एक्ट, जिन्होंने अवार्ड ले लिया हिंदुस्तानी फुटेज जर्नलिस्ट ने अवार्ड लिया, तो पूरी हिंदुस्तान की जितने भी पैनलिस्ट है, जितने भी मीडिया चैनलिस्ट है, जितने भी राजनीतिक भारतीय जनता पार्टी से मुंसलिक है वो मुखालिफ। क्या आप कश्मीरियों के खिलाफ है या आप टेररिज्म के खिलाफ, आप किस चीज के खिलाफ है? जो सेना पर पत्थरबाजी हो रही है, ये जो रियाज नाइकू हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर को मारा गया है उस पर बोलने से क्यों डरते हैं? बोलिए। देखिए जब सुशील पंडित जी बोलेंगे कि बम्बार्डमेंट की जाए, क्योंकि वो टॉपिक पर बोल रहे हैं, तो अरे अरे कश्मीरियों पे बम्बार्डमेंट करना चाहते हैं आप? कौन कह रहा है कश्मीरियों पर बम्बार्डमेंट की बात? कोई नहीं कह रहा है, आतंकियों के खिलाफ कह रहा है। एक साइड से आप बोल रहे हैं कि ये अटूट अंग है, अटूट अंग है, दूसरे साइड से क्या अटूट अंग है? ये आपको ये आपके यहाँ के लोग नहीं चाहिए क्या? आपके कश्मीरियों के सेंटिमेंट नहीं चाहिए? क्यों महबूबा मुफ्ती बंद है? क्यों आज पॉलिटिकल लीडर्स बंद है? अगस्त से आपने क्यों को बंद रखा है? ये क्या कर रही है दिल्ली में? रियाज नाइकू पर बोलेंगे नहीं, हमारा इंटरनेट बंद है। रियाज नाइकू पर बोलेंगे नहीं, क्रिएट कर रहे हैं कि रियाज नाइकू नहीं कर रहा है ये, और रियाज नाइकू पर बोलने में क्यों डर लगता है? क्यों डर लगे मुझे? तो बोलिए ना कि अच्छा क्या सेना ने आतंकी को मार गिराया? दिल्ली की फेलियर पॉलिटिक्स कर रही है, दिल्ली की फेलियर स्ट्रेटजीज कर रही है। रियाज नाइकू को मारना अच्छा कदम था या नहीं था? आपने 370 एक आतंकी को मारा, एक आतंकी को मारा, आप खुश हैं या नहीं है? अरे आप मुझे बताइए, मारद्राड़ के लिए आपको हमने खुश आप खुश हो जाते हैं मारद्राड़ के लिए? हम किसी के मारद्राड़ के लिए खुश नहीं हो जाए? आप आतंकी के मारे जाने को मारद्राड़ कहते हैं? क्या कह रहे हैं आप? आतंकी कौन है? देखिए अंजना जी, अंजना साहिबा, बात समझ लीजिए आप। अगर गांव के 1000 लोग पत्थर मार रहे हैं एक लड़के के लिए, आपके कहने के मुताबिक एक आतंकवादी के लिए, तो कहां कौन सी डिक्शनरी में उसको आतंकवादी कहा जाएगा जिसके लिए 50 लोग, 100 लोग, 200 लोग, 300 लोग उसके हक में उठते हैं? आप मुझे बताइए, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं आप? कुछ तस्वीरें हम दिखा रहे हैं गाजीपुर की, इफ्तिखार साहब बढ़ा रहे हैं। इफ्तिखार साहब, आपके साथ तो न जाने कितने शोज मैंने किए हैं, आप स्टूडियो में भी आए हैं, आप बातचीत भी करते हैं अक्सर, जब कैमरा बंद होता है तो आपकी बातों में विवेक भी दिखता है, विजडम भी दिखता है, लेकिन जैसे ही कैमरा ऑन होता है आप सब भूल जाते हैं, वही भाषा बोलने लगते हैं, न जाने कौन सी मजबूरी है। इन तस्वीरों का मतलब समझिए, ये वो लोग हैं, ये गाजीपुर की हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जब भारत का कोई वीर सैनिक इस तरह से तिरंगे में लिपटा कांधे पर अपने गांव पहुंचता है तो पूरा देश सम्मान के साथ अपना सिर झुकाता है। और दूसरी तरफ उन आतंकियों की तस्वीर देखिए जिनके मारे जाने पर उनके हिमायती सेना पर हमला करते हैं। इस फर्क को समझकर कश्मीर को आगे बढ़ना होगा, इस फर्क को समझकर कश्मीर को यह तय करना होगा कि उसके लिए आगे का रास्ता क्या है। नीतियां तब्दील करनी होगी, नीतियां चेंज करनी होगी। 4G बंद करने से आप कश्मीरियों के दिल नहीं, मुझे पता था आपको 4G की चिंता है, सेफ्टी एक्ट में बंद, क्योंकि अफवाहें नहीं फैल रही, अफवाहों का फैलना बंद हो गया है, तो ये जो आतंक और नफरत की दुकान चल रही थी वो बंद हो गई है। लेफ्टिनेंट जनरल जसवा, अंजना साहिबा, अरे अंजना साहिबा, क्या हमने हिंदुस्तान का दामन नहीं थाम लिया है? क्या हम हिंदुस्तानी नहीं है? क्या हमें उन रिटायर्ड आर्मी ऑफिसरों का सुनना है जो हमें धमकियां देते हैं ट्विटरों पे, जो आज की डेट में धमकियां देते, क्या हम उनका? अरे साहिबा, एक मिनट आप मुझे बोलने देंगे? आप जो डेमोक्रेटिक सेटअप में यकीन रखता है, हम उस हिंदुस्तान पे यकीन रखते हैं जिन्होंने, जो जिसको गांधी ने, इफ्तिखार साहब पहले तय कर लीजिए कि आप बोल क्या रहे हैं। आप एक तरफ आपको पता ही नहीं है, आप एक तरफ हथियार लहराकर जो फायरिंग करते हुए वीडियोस बनाता था, जो हिजबुल का कमांडर था उसके हिमायती बन के बैठे हैं, पत्थरबाजी जो कर रहे हैं उनके हिमायती करने बैठे हैं,
और ट्विटर पर आपको कुछ लिख दे तो आपको डर लगता है। मैंने हिमायत आप नहीं जमीन की। से मैंने कितने दूर है, आप कह रहे थे कि किसकी नजर में कौन आतंकी है ये समझने की कोशिश करिए। आपने नहीं कहा, मैंने हिमायत कहा, क्या आपने नहीं कहा कि किसकी नजर में कौन आतंकी है ये समझना होगा। आपकी नजर में क्या था? मैंने अंजना साहिबा, मैंने रियाज नाय को आपकी नजर में क्या है इफ्तिखार? अगर हजार लोग पत्थर मार रहे हैं किसी के मरने के लिए, रियाज नायकू तो आपकी नजर में फिर भाग रहे हैं आप मेरे सवाल से? इंटरसेप्ट करने की जरूरत है। अगर लोग आंसर प्लीज, अगर लोग रियाज नायकू आपकी नजर में क्या था, चलिए बताइए। इंटरसेप्ट करने की जरूरत है, रियाज नायकू आपकी नजर में क्या था साहिबा? अगर हजार लोग, अगर आप पत्थरबाजों डरे हुए हैं के लिए बम्बार्डमेंट करना चाहते हैं, ठीक है, आपका डर समझते हैं, पत्थरबाजों को मरवाना चाहते हैं, आपका डर समझते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल बीएस जसवाल, इंटरसेप्ट करिए कश्मीरी क्यों पत्थर उठा रहा है। आप जरा दूसरों को बोलने देंगे, एक मिनट चुप रहेंगे, अपनी आवाज को बंद रखेंगे। रिक्वेस्ट है आपसे, पांच बार बोल दिया है मैंने, सवाल मुझसे, मुझको जवाब देने दीजिए। सबसे पहली चीज, एक टेररिस्ट का कोई मजहब नहीं होता, बिल्कुल, उसका कोई रिलीजन नहीं है। दूसरा, ये कोई खेल नहीं है कि अगर आप मारे तो हम चुप रहे और उसका अगर जवाब हम दें तो आप चिल्लाएं। तीसरी चीज, ये दर्द आपको लग रहा है, खौफ से लग रहा है या वैसे लग रहा है, मैं नहीं जानता, लेकिन ये दर्द कब कहां था जबकि इतने लाखों कश्मीरियों को वहां से निकाला गया था? क्या था वो? क्यों नहीं आपने बोला आज तक उसके बारे में? मेरे हिसाब से क्यों नहीं बोला? हिंदुस्तान, आप हिंदुस्तान लोगों ने तो मुझे खत्म करने लीजिए। एक तहजीब होती है इफ्तिखार साहब, एक तहजीब होती है, उसको कायम रखें प्लीज, रिक्वेस्ट है मेरी। आप ये बिल्कुल क्लियर समझिए, हिंदुस्तान एक स्ट्रांग नेशन है और हमारे पास इस वक्त बहुत स्ट्रांग लीडरशिप है। हम किसी भी हाल में हिंदुस्तान के अंदर ऐसी खामियां नहीं आने देंगे जिससे कि हिंदुस्तान कमजोर पड़े। कोई भी कार्रवाई अगर हिंदुस्तान के झंडे के खिलाफ की जाती है, कोई भी हो, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जो बंदूक उठाएगा हमारे नेशनल इंटीग्रिटी के खिलाफ, उसके खिलाफ हम थोड़ा एक्शन नहीं लेंगे, जबरदस्त एक्शन लेंगे, और वही मुनासिब होगा, क्योंकि जब तक समझ नहीं आती है वो बंदूकधारी को तो हमें एक्शन लेना ही पड़ेगा। मेरे ख्याल से ये बहुत ही एक स्ट्रांग मैसेज के तौर पर हमारी जो स्ट्रांग गवर्नमेंट है, जो स्ट्रांग डिसीशन ले रही है, उनको ये बता देना चाहिए कि जो भी शख्स अपने देश के खिलाफ कुछ करेगा जी, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई। दूसरी चीज, एक लास्ट में, हाजरी मेरे को जानते हैं, मजहब के लिहाज से मेरे खुद के ट्रफ मुस्लिम है और मेरे दिल में उनके प्रति उतना ही प्यार है जितना हिंदू मुस्लिम और बाकी सिख क्रिश्चियन भाइयों के लिए है। मेरे एक अजीज हैं और अभी भी वैली के अंदर मेरे बहुत सारे अजीज हैं जो तय दिल से इज्जत करते हैं और मैं उनकी इज्जत करता हूं, लेकिन मैं किसी भी टेररिस्ट की इज्जत नहीं करता हूं। अंजना साहिबा, तो मैं भी आ रही हूं, वो पूरा कर ले, आप ही को आप ही से जवाब लूंगी, पूरा कर ले। अंजना साहिबा, मैं भी जनरल टेररिस्ट को, तो टेररिस्ट जो है उसका मजहब नहीं है, उसका सिर्फ एक ही हश्र है, उसको जो है मार गिरा देना चाहिए, और जो उसकी हिमायत करता है शरेआम स्ट्रीट्स में आकर और सिक्योरिटी फोर्सेस को अटैक करता है, एज पर लॉ ऑल्सो उनके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी। हम नहीं चाहते कि उनके खिलाफ कार्रवाई करें, लेकिन अगर वो बढ़ावा करते हैं तो हमें लाजमी है कार्रवाई करनी पड़ेगी और करनी चाहिए, इसमें कुछ दो राय नहीं है। थैंक यू माजिद हैदरी साहब। अंजना साहिबा, जनरल जायसवाल उन लोगों में से हैं जो कि जेंटलमैन फॉर लाइफ जिन्हें कहा जाता है, मैं हमेशा इनकी दिल से इज्जत करता हूं, जबान से नहीं, दिल से इज्जत करता हूं।
लेकिन मैं इनसे एक बात पूछना चाहता हूँ। जनरल जायसवाल ने कहा कि दहशतगर्दों को गोली से मारना है। जनरल जायसवाल साहब, जब डीएसपी दविंदर सिंह पकड़ा गया, उस दहशतगर्द को गोली से क्यों नहीं मारा गया? जब साध्वी प्राज्ञा पकड़ी गई, जिसने कहा कि मैंने हेमंत करकरे को मारा है, उसे क्यों नहीं गोली मारी गई? असीमानंद को क्यों नहीं गोली मारी गई? इसको कर्नल पुरोहित को क्यों नहीं गोली मारी गई? वो तो आतंकी टेरर स्क्वाड ने प्रूव किए थे, उनको क्यों नहीं गोली मारी गई? सिर्फ मुसलमान क्यों दिखता है कि गोली मारनी है मुसलमान को? और जब भाजपा के साथ हो, जब अजहर मसूद गया कंधार, उसको क्यों नहीं गोली मारी? क्योंकि वो भाजपा का एजेंडा लेके गया कंधार में सर। और आप जो कहते हैं कि इन पे गोली चलानी होगी सर, आप देखिए दिल्ली में शराब खरीदने के लिए लाखों लोग जमा होते हैं, लेकिन आप कहते हैं कश्मीर में जनाजा ना उठे, ये कैसी बात है सर? एक बात सर, मरने के बाद कोई मुजरिम नहीं होता, मरने के बाद सजा नहीं दी जाती कि आप जनाजा पढ़ने देंगे। जनाजा पढ़ना एक धार्मिक फर्ज है, मुझे देश का संविधान उसकी इजाजत देता है सर। जी सर, मैं दोनों चीज का आपका जवाब देता हूँ। देखिए, जितने भी आपने नाम लिए हैं, किसी ने हथियार उठा के फायर किया सिक्योरिटी फोर्सेस पर? जो सिक्योरिटी अभी डोडा में एक पकड़ा गया है शख्स, परसों मेरे ख्याल से त्राल के इलाके में एक पकड़ा गया है, क्या हमने उसको गोली मारी? हम चाहते हैं जो अपने आप को सरेंडर कर दे या अरेस्ट कर दे, हम उसको अरेस्ट करते हैं, गोली नहीं मारते हैं। लेकिन जो फौज के ऊपर गोली चलाएगा, उसके ऊपर गोली पक्का चलाई जाएगी। जहां तक जनाजे का सवाल है, देखिए जनाजा होता है एक जायज जनाजा। अगर एक जो जनाजा है उसके अंदर एक हिडन एजेंडा है कि मोटिवेशन ऑफ द यूथ, ये पहले भी देखा गया सिक्योरिटी फोर्सेस से कि जब भी कोई जनाजा निकला है, एक साइकोलॉजिकल इंडॉक्ट्रिनेशन हो जाती है जो यूथ है वहां पे, उनके दिमाग में एक पोस्टर बॉय का एक पिक्चर दे दी जाती, वो ये नहीं समझते कि ये क्यों मारा गया है। तो ये इसके खिलाफ एहतियात लेना ही होता है। जनाजा जो है जायज अगर हो, उसकी बिल्कुल कदर करता हूं मैं, लेकिन जो आतंकवादी है उसका जायज नहीं है। जो बंदूक उठाएगा उसके खिलाफ, जनरल साहब आपके बारे में कि मशहूर है, आप कहते थे कि जजमेंटल एरर आयोटा भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। संजना साहब एक सेकंड, संजना साहब एक बोलिए बोलिए। मैं एक चीज बोल रहा हूँ जनरल साहब, आपके बारे में एक चीज मशहूर है, आप कहते थे कि आयोटा ऑफ जजमेंटल एरर मैं टॉलरेट नहीं करूंगा, आपके बारे में मशहूर है, आप बड़े मशहूर ऑफिसर रहे हैं, कश्मीर में भी आपने ड्यूटी दी है, और आपका डायलॉग था कि आयोटा ऑफ जजमेंटल एरर बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं आपसे एक चीज पूछता हूं, क्या देश का संविधान इजाजत देता है, क्या देश का संविधान इजाजत देता है कि आप मरने के बाद किसी को सजा दें? वो कोई भी हो, वो शराबी हो, वो कोई हो, वो रेपिस्ट हो, वो टेररिस्ट हो, वो मिलिटेंट हो, कोई हो, क्या आप उसे मरने के बाद सजा दे सकते हैं? क्या देश का संविधान आपको इजाजत देता है? आप बस इतनी चीज का जवाब दीजिए बस, और मुझे कुछ नहीं पूछना। उस पर जनरल ने किसी का जनाजा हो बस। गौरव भाटिया जी देखिए, अभी तक जनरल साहब कुछ जनरल साहब आप जवाब दे दें, क्योंकि सीधा सवाल वो आपसे पूछ रहे हैं, उसके बाद ठीक है, नो प्रॉब्लम्स। देखिए, आप जो कह रहे हैं कि मरने के बाद कोई सजा नहीं होती दी जाती है, हमारी एक कुछ कार्रवाइयां होती हैं जिसमें देखा जाता है क्या ये जायज रहेगा नेशनल इंटरेस्ट में या नहीं रहेगा। जो चीज नेशनल इंटरेस्ट के हित में नहीं है, वही कार्रवाई की जाएगी। इसके हमने पहले जो है, जैसे गौरव भाटिया साहब ने पहले कहा था, सॉरी सुशील पंडित जी ने, कि पहले जनाजे जाते थे लेकिन उसका खमियाजा सिक्योरिटी फोर्सेस को भुगतना पड़ता था, क्योंकि और नए टेररिस्ट खड़े हो जाते थे। इसलिए जो है, जो मारा गया है बिल्कुल सही तौर से, उसके जनाजे की इजाजत नहीं दी जा सकती, क्योंकि उसका खमियाजा देश को भुगतना पड़ता है। देश का इंटरेस्ट किसी भी सूरत में किसी भी रिलीजन के लिए कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता, क्योंकि हम सब उस ध्वज के नीचे सर्विस कर रहे हैं, जी रहे हैं हम, हमारा एक फर्ज है उस ध्वज के लिए, तो हम उसको कॉम्प्रोमाइज नहीं होने देंगे, चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो। ये नहीं मैं कह रहा हूं कि ये हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है। जो आतंकी मारा गया है वो ठीक है, और जो हित के नेशनल हित के लिए होना चाहिए वही किया जाए, वो होगा। गौरव भाटिया और वो करेंगे जी। गौरव भाटिया जी जवाब दीजिए, सर हिला रहे हैं, सहमत नहीं है, मानने को तैयार नहीं है। माजिद हैदरी,
देखिए, मैं अभी तक की चर्चा को बड़ी ध्यान से सुन रहा था अंजना जी, तो मैं क्रमवार तरीके से उत्तर दूंगा। सबसे पहले इन्होंने संविधान की बात करी, तो मैं पूछना चाहता हूं, आतंकवादी का कोई हक होता है क्या संविधान में? क्या अनुच्छेद 370 जब संवैधानिक तरीके से संशोधित की जाती है तो उसके खिलाफ जो आप लोग कर रहे हैं वो उचित है? और कहां संविधान में लिखा है कि आर्मी ऑफिसर पे आप पत्थर मारेंगे? तो जब आप संविधान को खुद ही नहीं मानते तो आज संविधान की दुहाई क्यों दे रहे हैं? दूसरी बात अंजना जी, इन्होंने कहा कि हमारा दिल जीते। मैं इतना ही कहूंगा कि दिल हिंदुस्तान में होता तो जरूर जीत लेते। बाढ़ आती है, आर्मी बच्चों को बचाती है, कश्मीरियों को बचाती है, दिल नहीं जीत पाए। आप बताइए दिल कैसे जीते? कर्नल शर्मा, चार लोगों के हर साथ शहीद हो गए क्योंकि सिविलियन ना मारे जाए, लेकिन इनका दिल नहीं जीत पाए। असल में बात क्या है, इनका दिल पाकिस्तान में है और जो दिल पाकिस्तान में उसको हम कैसे जीते? तीसरी बात, आपने रमजान के पावन महीने की करी, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, औरंगजेब जो हमारे देश की सेवा करते हुए मारा गया आपके द्वारा रमजान के पावन महीने में मारा गया, तो क्या उसके कोई अधिकार थे या नहीं? आप लोग बाहर नहीं निकले, तब आपने सवाल नहीं उठाया आतंकवादियों से कि हमारे भाई औरंगजेब को कैसे मार दिया? और मैं औरंगजेब की बात को सलाम करता हूँ, जज्बे को सलाम करता हूँ। अरे फिलहाल इंटरनेट ही दे दे, इंटरनेट दे दे। इस वक्त इजराइल फलस्तीन को इंटरनेट दे रहा है, यमन में इंटरनेट चल रहा है, सीरिया में इंटरनेट चल रहा है, कश्मीर में इंटरनेट नहीं चल रहा है, क्या आप कश्मीर में जंग कर रहे हैं? आपको दर्द होगा, अपनी बारी में बोलिए। बस मेरी इतनी गुजारिश है, मैं आपके सम्मान में कह रहा हूँ, अपनी बारी में बोलिएगा, समझ गए? आपका मुंह बोला माई भाई कल मारा गया, मुझे पता है आपको दर्द है, लेकिन अपनी बारी में बोलिए। मैं इतना ही कहूंगा कि हम उन माताओं का, मेरे लिए आपके भाई है, वो भी भाई था। सुनिए सुनिए, अभी उत्तेजित मत होइए, अपनी बात करने दीजिए मुझे। अंजना जी, आपको याद होगा औरंगजेब मारा गया, उसी परिवार में माता पिता ने अपना दूसरा बेटा कहा कि आर्मी ज्वाइन करो, तिरंगे की सेवा करो। इस जज्बे को सलाम हम करते हैं। तुम बुरहान वानी निकालो, हम कर्नल आशुतोष शर्मा और मेजर अनुज सूद और अयूब पंडित देंगे। इस देश के तिरंगे के लिए लाखों करोड़ों युवा है जो जान दे देंगे। और माजी भाई, अंत में एक बात कहता हूं, अगर तुम पे भी गोली चल गई ना, मैं नहीं चाहता किसी की जान जाए। आप लोग सेना के नाम पे सियासत करते हैं, मैं नहीं चाहता। माजिद जी, मैं आपसे जवाब लूंगे, प्लीज। मैं नहीं चाहता कर्नल शर्मा मैं आप दोनों के पास बारी बारी से आ रही हूँ, लेकिन बीच में चिल्लाना ठीक नहीं है। बात पूरी कीजिए गौरव भाटिया, मैं आऊंगी। माजिद हाजिर, देखिए मैं इतना ही कहूंगा इनसे कि आज देश में बड़ा बदलाव आया है। नरेंद्र मोदी जी ने नान समिट में भी कहा कि पूरा विश्व कोरोना वायरस से लड़ रहा है और पाकिस्तान आतंक फैला रहा है, तो हमें कोरोना वायरस को भी परास्त करना है और आतंकवाद के इस वायरस को भी परास्त करना है। और अंजना जी, हम दोनों को परास्त करेंगे, आप देखेंगे। क्योंकि आप समय याद करिए, यासीन मलिक जैसे आतंकवादी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से मिलते थे, और आज फर्क यह है मोदी जी ने उनको जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया। ये फर्क इच्छा शक्ति का है, आर्मी को गोली छूट है। आप एक पत्थर मारोगे तो गोलियां लगेंगी और इतने छेद होंगे कि गिन नहीं पाओगे। ये फिलोसफी होनी चाहिए। आतंकवादियों के कोई मानव अधिकार नहीं है संविधान में। माजिद हैदरी, जवाब दीजिए। चुलबुल पांडे बन गए आज, आज तो गौरव भाटिया जी चुलबुल पांडे बने हुए हैं। आज तो पहले गौरव भाटिया जी बार बार चुलबुल पांडे का डायलॉग बोल रहे हैं, इतनी गोलियां मारेंगे, इतना शरीर में छेद करेंगे, ये क्या सीरिया में इंटरनेट चल रहा है, कहीं दुनिया में जंग नहीं चल रही जनाब। गौरव भाटिया साहब, यमन हो, सीरिया हो, फलस्तीन हो, अफगानिस्तान हो, कहीं जंग नहीं चल रही, सिर्फ कश्मीर में जंग चल रही है। अरे हम इंटरनेट दे दे, इंटरनेट तो दे दे, हमारे बच्चे भी पढ़े। बच्चों के भविष्य की बात आप करते हैं ना, इंटरनेट पे वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, कश्मीरियों को इंटरनेट तो दें, आपने तो इंटरनेट भी बंद कर दिया। क्या कश्मीरी कश्मीरी युवा का भविष्य नहीं है? क्या कश्मीर में ऑनलाइन शॉपिंग नहीं होगी? क्या कश्मीर में इंटरनेट नहीं चलेगी? भारत सरकार कह रही है वर्क फ्रॉम होम, ठीक है, जवाब लेते हैं। माजिद हैदरी,
इंटरनेट पर आपकी जो परेशानी है वो हम समझ रहे हैं, क्योंकि आप घूम फिर कर, आप और इफ्तिखार साहब सबको इंटरनेट चाहिए, लेकिन इंटरनेट पाने वाली हरकतें तो करिए, उसको प्रमोट तो कीजिए, कहिए तो खुलकर कि रियाज नाइकू जैसे आतंकी को मारकर सेना ने बहुत बड़ा उपकार किया है जम्मू कश्मीर का, हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकी संगठनों का खात्मा होगा, तो मैं बतौर पत्रकार ये कहता हूँ घाटी के लिए बड़े अच्छे संकेत है, कहिए कि सेना पर हमला बंद कीजिए, पत्थरबाजी बंद कीजिए, इंटरनेट का इस्तेमाल अगर अफवाहें फैलाकर दहशत डर नफरत की तकरीरों के फैलावे के लिए इस्तेमाल होता है तो फिर क्यों नहीं ये बंदिशें लगाई जाए। समझिए तो कि आप क्या बोल रहे हैं, क्या मांग कर रहे हैं और कैसे इधर से उधर कूद रहे हैं, आपको भी समझना पड़ेगा। हैदरी साहब, अंजना साहिबा, सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा, सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि आपका जो ये कार्यक्रम है बहुत ही लोकप्रिय प्रोग्राम है, बहुत ही लोकप्रिय शो है, तो मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि जो भाजपा वाले जो कह रहे हैं ना कि इंटरनेट से कनेक्टेड है मिलिटेंसी, 90s में कोई इंटरनेट नहीं था और सबसे ज्यादा मिलिटेंसी थी, 2011 में सबसे ज्यादा इंटरनेट सर्विसेज थी और सबसे कम मिलिटेंसी थी कश्मीर में। सो आप इंटरनेट को मिलिटेंसी से ना जोड़ें, ये मिलिटेंसी से इंटरनेट को जोड़ना किसी मजबूती दिमाग का काम नहीं है, तो लॉजिकली काम नहीं चलता। ये मेरा परफेक्ट बता दिया, आप इंटरनेट देने पहले देखें मैं बिल्कुल, क्या आप साध्वी प्रज्ञा साहिबा को आतंकी मानते हैं? मैं आगे आपकी बात मानूंगा, आप अगर मानते मैं भी मानूंगा, अगर आप नहीं मानते मैं भी मानूंगा। मैंने साध्वी प्रज्ञा की बात की क्योंकि उसने मेरे भाई हेमंत करकरे को मारा, जिसने मेरे भाई हेमंत करकरे को मारा मैं उसकी बात करूं, क्या आप हेमंत करकरे को शहीद नहीं मानते? हेमंत करकरे को आप शहीद नहीं मानते? दोनों के दोनों, रियाज नाइकू को ऐसे ही जैसे बुरहान वानी के वक्त पर हमने देखा था, आतंकी कहने में सांप सूंघ जाता है। सुशील पंडित जी, दिक्कत यह है इनको अपने दोगलेपन को उजागर करने में भी शर्म नहीं आती है। ये इंटरनेट कहते हैं स्कूली बच्चों की पढ़ाई के लिए चाहिए, जब आतंकियों ने 40 स्कूल फूंक दिए थे इन्होंने अपने मुंह सी लिए थे, इनके मुंह से मजम्मत का एक लफ्ज नहीं निकला था। जब हुर्रियत कॉल करती थी कि बंद होगा और 30-40 दिन बंद रहता था, तब स्कूली बच्चों की पढ़ाई का क्या हश्र होता था, उस पर ये एक लफ्ज नहीं फूटते थे मुंह से। आज ये बहानेबाजी कर रहे हैं, आप आतंक पर बात करें कूद जाते हैं, आप रमजान पर बात करें या इंटरनेट पर कूद जाते हैं, आप इंटरनेट पर बात करें प्रजा पर कूद जाते हैं। ये बंदरों की उछल कूद मचा रखी है इन्होंने इस डिबेट में, क्योंकि ये संजीदा नहीं है, गंभीर नहीं है, ये किसी मुद्दे पर बैठक के बात नहीं करना चाहते हैं। इनकी पूरी पूरी दलील बेईमानी से भरी है, बेसिकली मुनाफकत से भरी है। ये मुनाफिक लोग हैं, ये हर हाल में जिहादियों के साथ पक्ष में खड़े होंगे, गलत तस्वीरें बहाएंगे, आंसू बहाएंगे, हेमंत करकरे को भाई बताएंगे, आशुतोष शर्मा को भाई बताएंगे, लेकिन नायक की मजहब में लफ्ज नहीं बोलेंगे, जाकिर नायक की जाकिर मूसा की मजम्मत में एक लफ्ज नहीं बोलेंगे, बुरहान वानी की मजम्मत में एक लफ्ज नहीं बोलेंगे। ये परेशानी है इन लोगों की। सुशील जी, मुझे लगता है आपकी ललकार पर साहब के अंदर का इंसान जाग गया है। तुम पत्थर बरसाओगे, हम आतंकी मार गिराएंगे। जी हाँ, रियाज नाइकू नाम के हिजबुल के कमांडर को बीते दिन सुरक्षा बलों ने कश्मीर में मार गिराया, उसके बाद उन पर पत्थरबाजी हुई, उनकी गाड़ियों पर हमला हुआ, लेकिन हम ये सिलसिला आतंकियों के मार गिराए जाने का और आतंकवाद का कश्मीर से खात्मे का कायम रखेंगे। इसी पर आप देख रहे थे हल्ला बोल, देखते रहिए आज तक, आगे देखिए दुनिया आज तक।